राम राम जी, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए YouTube चैनल टूर फैमिली ब्लॉग में। और आज शुरुआत कर रहे थे, आम के बज चुके हैं 5 और आज हम आए हैं जींद के जयंती देवी मंदिर पर घूमने वास्ते। आज अपने जींद का जयंती देवी मंदिर दिखाएंगे किस तरह का है। ये है जिस तरह एंट्री हो चुकी है हमारी जयंती देवी मंदिर में, अंदर का अपना सूट करके दिखावाएंगे। अब हम जयंती देवी मंदिर के दर्शन करके सारे जो मेन मंदिर है जो अंदर का है उसमें थोड़ा जागरण चल रहा है, इस करके अंदर का नहीं दिखा सके हमें क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा बैठी है। तो नो कैमरा लेकर अंदर शूट नहीं कर सकते कि अलाउड भी ना हो गई, इस करके कैमरा लेकर नहीं गए हम अंदर। अब बाकी जो स्थान है वहाँ का हमने शूट कर लिया है, बैठे हम पार्क में, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है। गोलू किस साल आ गया बेटा? एंडी। अब बढ़िया एंडी तो ना, ये बढ़िया लगा करना कभी सो। आज बच्चा का मन की पूरी होगी, इनका मन की इच्छा थी वह पूरी होगी भाई जयंती देवी मंदिर पान की। मैं तो आ गई थी, मैं तो पटिया करती उस टाइम पे, एक बार आ गई थी घूमने। मैं तो अच्छा लगा, गोलू ना तो अच्छा लगा ना। अभी बच्चे डिमांड करे थोड़ा बहुत करना भी पड़ा, फिर टाइम काट कर आना पड़ा थोड़ा सा भाई घूमया। बाकी बारिश का मौसम हो रहा है, कदम बारिश आ जाए दोबारा, फिर एक बार तो आकर रुक ली, दोबारा फिर आ जाओ। फिर ये थोड़ी देर अड़ पार्क में बैठे हैं जी, साथ हम आ लिए थे मंदिर में, तैयारी करने बना लिए, चाय पीने, ठंड ज्यादा हो गई थी, फिर ज्यादा देर तक उड़ा रुक नहीं सके हमें, इतना सूट होया उतना सूट करके लिया है। हाँ उड़ा का ठंड ज्यादा हो गई थी, बारिश का मौसम हो गया था, फिर मैं बारिश आ जाओ कहते इतना जागरण खत्म हो गए, पर तो सोची थी हाले जागरण हो जाएगा और फिर सूट करिए, बाकी फिर मैं रहने दे कहते मैं और ज्यादा मौसम खराब हो जाए फिर कुछ भी ना सूट कर पाए। उगर आ गए थे एक बार चाय पी लिया। तो जी दिन के बज चुके हैं 12, जो कल का था हम गए थोड़े जयंती देव में घूमन, वो थोड़ा ही सूट होने पाया, फिर मैंने सोची थोड़ा आज का सूट कर दूंगी, इकट्ठा ही ब्लॉग बन जाएगा। तो टाइम हो गया 12 का, राम बरस का बुरा हाल हो रहा सारे को, हम ऐसा ना भी नुआन की तैयारी कर रहे इसके पापा नुआ देंगे, मैं ऐसे एक बार नुआ नु का भीतर बांध देंगे, कई गेस्ट आ रहे अंदर, मैं कहा चल बाहर ही सूट कर लूँ इतना दोबारा। फिर राम ने गर्मी कर दी, कल तो ठंड कर रखी थी और फिर गर्मी कर दी, उनका चाय पानी तो दे दिया, रोटी आगे पूछा रोटी बना देंगे एक बार उन खातर, फिर मेरा भी बस नाना ही रहा है, नहा लूँगी, इतने बच्चे आ लेंगे स्कूल में तो प्रेस करनी है, इतना प्रेस करने का टाइम हो, इतना उम्र का तो जी है। तो जी टाइम हो गया 12:30 का, नहा धो ली हूँ, काम बन गया सारा और एक बार रोटी खा लूँ, रोटियाँ का टाइम हो गया, रोटियाँ का टाइम हो गया, हो गया भी मेरा तो भी होया है, मेरा भी होया टाइम है, कदम 2 बजे कद 3 बजे कद 12 बजे कद 1 बजे, वही ना धोकर फिर ना पाछे खाया करो मैं तकरीबन रोटी खा लिया, रोटी एक बार रायता बना रखा खीरे का, उसके पापा ने तो खा ली थी, लेटे ना निकलती रैंक में, तो कहते हैं बालक एक जोट आ गया जीती निकलती है ना निकलती, तो भाई दूसरा रैंक में तो कर लेंगे दिन दिन में, आज खीरे का रायता बनाया है, 12:30 कड़ाई तो 1 बज गया भाई, केक का टाइम हो रहा है, मैं सोची 12:30 बज रही, खा लिया रोटी, चल पी जा कई बार रोटियाँ की भूख मर्जी है।
तो जी खा लेती, फिर मिलते हैं आपसे। तो देख लो भाई मारा डुगू जनाब का सोना, मैं कित लौटू भाई डुगे डुगी, देख जो मन चो सकता देख सोफे पर सुत्या पड़ा उसका दो रही ओन ओन सो और आराम सुत्या पड़ा है देख ले जो मन चुसका कति आराम तो सोएगा जमा काचे काट रहा है ईसा तो सोफिया के कवर का रंग हो गया ईसा इसका रंग हो रहा है सेम रंग हो रहा दोनों का डुगू ए डुगू डुगू रे दे सुनाई भी ना करा दे इतनी मस्त हो रहा है कति जुनू घर ही नींद मस हो है कैमरा देख का आंख बंद करिए ना सुत्या को नहीं यो जाग है यो ओए ये देख इन्हें नुवेरा कैमरा ऑन हो रहा है यो जट मस्ती कर रहा है ओहो देख है बे यार कैमरा ऑफ कर दे के ले आंख खोल लेगा बहुत मस्त यार ये भाई तन्ने भी डुग गए ना बोल रहा है। तो जी टाइम हो चुका है 2:30 बज गए हैं दिन के और बच्चे वाली स्कूल में थे रोटी राटी खाने लग रहे हैं। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही, अब शाम तक का शूट करूँ तो व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आज के व्लॉग न करा यहीं पर साथ। कल फिर मिलेंगे एक और नए टूर फैमिली व्लॉग में, रेगुलर व्लॉग दिया करांगे इब कोशिश करांगे सवेरे का व्लॉग शाम ना अपने पक्का दे दिया करांगे। तो टाइमिंग फिक्स कर देंगे हम कल तो अपने व्लॉग की। तो जी सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो, इसी तरह रहता है खीरे का।